Everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, paper 1 and paper 2 CS faculty. So बहुत सारे students का एक feedback जो मुझे मिला है कि मैम बहुत सारे questions ऐसे थे, मतलब हर paper के अंदर 4-5 questions ऐसे थे जो हमें out of syllabus लगा. देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है, लेट सपोज हम जीके को उठा लेते हैं, तो जीके को कभी भी आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते, क्योंकि करंट अफेयर है या जीके है, तो ये हमेशा आप लोगों का एक नाम मेंशन कर दिया, जितना आप स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों के लिए कम है. इन द सेम वे लेट सपोज हम ICT को पिक कर लेते हैं, जहाँ पर आपका कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर आप कितना भी स्टडी कर लो उतना ही कम है. ये क्यों आया? क्योंकि MS Word के क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो आउट ऑफ सिलेबस था. टॉपिक नेम आप लोगों के मैंशनड थे, बट हाँ, उसको इन डेप्थ कर दिया है, इतना फ़र्क हम देख सकते हैं. और कभी भी किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो ये चीज़ आपको हमेशा लगेगा कि अगर आपके पास 50 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि वो आप लोगों के देखे दिखाए क्वेश्चंस नहीं हैं, है ना. तो ये चीज़ हर एक के साथ जाता है. अब रही बात जैसे रिसर्च के अंदर बात करें या फिर हायर एजुकेशन के अंदर, इंडियन लॉजिक के अंदर थोड़ा और डीप पूछ लिया गया था, तो वो सारी या न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, जैसे डाउनलोड अपलोड स्पीड के ऊपर ICT पे क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो चीज़ क्या कर दिया, एग्जाम का लेवल थोड़ा और वहाँ पर एक्सपेंड कर दिया गया है उस पर्टिकुलर यूनिट का. यूनिट वही है बट उसके लेवल, देखो स्टार्टिंग में अगर आपको आपने देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस आते थे, बच्चे ने बहुत अच्छे से सीख लिया, तो उसने वहाँ पर आपका नंबर सिस्टम है उस को और ज्यादा डीप कर दिया, इंटरनेट को थोड़ा और ज्यादा एडवांस पूछने लगा, तो यही चीज इर्द गिर्द घूमी है, अदरवाइज पेपर आउट ऑफ सिलेबस आपका नहीं था. आई होप आप इस पॉइंट के साथ एग्री करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है. वो क्यों हुआ है? क्योंकि कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन है तो एग्जामिनर को ऐसी फ्रेमिंग रखनी पड़ेगी ताकि वो बच्चे को वहां पर स्टक कर पाए. तो ये चीज हमें अपने माइंड में सेट करनी है फॉर नेक्स्ट साइकिल एज वेल. जून 24 के अंदर भी ये चेंजेस आपको हर साइकिल में देखने को मिलेंगे, तो ये तो आप माइंडसेट करके चलो कि ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 50 के 50 क्वेश्चन आपने शक्ल आपने देख रखा है ना. और कुछ सिलेबस के अंदर भी डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं, सो मेक श्योर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दें. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड शेयर दिस और सब्सक्राइब द चैनल एज वेल फॉर पेपर 1 पेपर 2 अपडेट्स. एंड उसी के साथ साथ गिव योर वैल्युएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आप भी मेरे इस पॉइंट के साथ एग्री करते हैं. बाय बाय, टेक केयर.